हाय फ्रेंड्स, आई एम अनीता दीक्षित, विधि ट्रेड ड्यूटी एंड अवेयरनेस युक्त की शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास संस्था और विधि सी श्री आकाश श्रीवास्तव। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कुछ ब्यूटिशियन के बारे में और कुछ पार्लर के बारे में। जैसे हमारा उद्देश्य होता है आत्मनिर्भर बनना, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम रोजगार के लिए कुछ ऐसे कार्य तो सीख लेते हैं जो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पर जब हमें कमाने की बारी आती है तो उसमें हमें थोड़ी सी झिझक लगती है कि हम ये काम करेंगे तो उससे हमें फ़ायदा होगा कि नहीं। तो मैं आज कुछ आपको ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जिससे आपको रोजगार में फ़ायदा भी मिलेगा, आपको बहुत लाभ भी होगा। जैसे हम पार्लर का कोर्स करते हैं तो उसमें हम पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, थ्रेड, हेयर स्टाइल, लाइट मेकअप, ब्राइडल मेकअप, ये सारी चीज़ें तो सीख लेते हैं, लेकिन अब बारी आती है कि हम पार्लर कैसे खोलें। तो मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट बातें उसके बारे में बता रही हूँ। पार्लर छोटे या बड़े से कोई मतलब नहीं होता, पार्लर छोटा हो या बड़ा हो केवल अट्रैक्टिव होना चाहिए। मान लेते हैं पार्लर में बहुत सारा सामान होता है, लेकिन हम बहुत सारा ना रखें, कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट रखते हैं, उससे भी ग्यारह अट्रैक्टिव होता है। पार्लर के लिए बैक मिरर सबसे आवश्यक, फ्रंट मिरर और बैक मिरर बहुत ही आवश्यक होता है। उसके अलावा आरामदायक चेयर होना चाहिए, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, ठंडे यदि ठंड का सीजन है तो उसके लिए हीटर होना चाहिए, हमारा रूम पैक होना चाहिए, या गर्मी है तो हमारे पास एसी, कूलर, पंखा जो भी अवेलेबल है ये सारी व्यवस्थाएं हमारे पार्लर में होना चाहिए। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि हम पार्लर में हल्का सा म्यूजिक बजाते हैं उससे ग्राहक बहुत ही रिलैक्स फील करता है और वो बहुत ही आराम से अपनी सारी बातों को बता सकता है। बताने से मतलब ये है कि वो फेशियल करवाने आया है, थ्रेड बनवाने आया है या उसको नेक्स्ट सेशन में ब्राइडल मेकअप करवाना है या लाइट मेकअप, ये सारी चीज़ें वह हमको बहुत अच्छे से बताता है और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आता है, जिससे हमारा धंधा या व्यापार या रोजगार बहुत अच्छा चलता है। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है कुछ ब्यूटिशियन के गुण। ब्यूटिशियन में कौन से ऐसे गुण होना चाहिए जिससे ग्राहक आकर्षित होता है। सबसे पहली बात, हमारी वेशभूषा, हमारी पोशाक ऐसी होनी चाहिए कि ग्राहक देख कर अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो। तो ऐसा नहीं कि हम कैसे भी बन के चले जाते हैं, बिल्कुल नहीं, हमें पार्लर के हिसाब से बहुत ही सुसज्जित रहना है। कहने का मतलब कि हमारे ऊपर भी, हमें मेकअप सूट भी नहीं करता है तब भी हमें अपनी हेयर स्टाइल, हमारी पोशाक एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए। ब्यूटिशियन को चाहिए कि उसके नेल्स कटे हुए हों। यदि नेल्स कटे होते हैं तो ग्राहक को कभी भी उससे असंतुष्टि नहीं होती, क्योंकि नेल्स केवल यह नहीं कि उसमें रफ हो जाता है या मैल लगा रहता है, ये नहीं, फेशियल करते समय ग्राहक को नेल्स ना लगे, हेयर स्टाइल करते समय कहीं नेल्स टच ना हो, या कोई जो भी हम कार्य करते हैं उसमें नेल्स कहीं भी प्रॉब्लम ना बने। दूसरी बात, हमारे हेयर ऊपर बंधे हुए होना चाहिए ताकि थ्रेड बनाते समय, मेकअप करते समय, पेडिक्योर, मैनिक्योर, जो भी हम पार्लर का करते हैं तो बार बार हमारे हेयर बाहर या आगे ना आए। तीसरी बात है हमारी पोशाक या हमारी ड्रेस, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कैसे भी कपड़े पहने, या हम दुपट्टा डालते हैं तो बार बार हम झुकते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो हमारे लिए कुछ दिक्कत खड़ी करें, ऐसी ड्रेस हमें बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। हमें ड्रेस बहुत ही कंफर्टेबल और ऐसी पहनना चाहिए जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, या कोई भी कार्य करते समय हमें उससे कोई अपनी ड्रेस से कोई प्रॉब्लम ना। चौथी बात, हमें हील वाली सैंडल या इस तरीके की कोई भी सैंडल या चप्पल का यूज़ नहीं करना है जिससे कि हमें उससे दिक्कत हो। हमेशा हमें पार्लर में कार्य करते समय फ्लैट चप्पल का ही या स्लीपर का ही उपयोग करना है। छठवीं बात आती है कि हमारे ऐसे कौन से गुण हैं जो हम ग्राहक को आकर्षित करते हैं और ग्राहक अपने साथ चार और ग्राहकों को लेकर आता है। वह यह है कि हमें पहले ग्राहक की समस्या या ग्राहक की बात को बहुत अच्छे से सुनना है, उसके बाद में बहुत ही मधुर और अच्छी भाषा में उसका उत्तर देना है ताकि ग्राहक संतुष्ट हो जाए। यह नहीं कि हम केवल अपनी बात बोलते जाएं, ग्राहक की बात बिल्कुल ना सुने, यह हमें नहीं होना चाहिए। हम ग्राहक की बात सुनते हैं उसके बाद ही हम बहुत अच्छी मधुर भाषा में उसको उत्तर देते हैं ताकि ग्राहक को लगे कि नहीं, एकदम हम इसके क्लोज हैं। यदि हम उसके क्लोज आते हैं तो वह यह समझिए कि हमारा व्यवहार बहुत ही अच्छा है। महत्वपूर्ण बात, व्यवहारिक होना सबसे आवश्यक है। उसके बाद हमारा पार्लर कैसा है, बहुत ही
आप उसमें सामान मत भरिए, लेकिन ब्रांडेड प्रोडक्ट यदि आप यूज़ करते हैं, हर्बल है, शहनाज का है, फ्रूट्स वाला है, ये सारे प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे तो ग्राहक जरूर अपने पास आएगा। और हमारी पोशाक, वेशभूषा या हमारे जो भी हेयर स्टाइल बनाने का तरीका है वह बहुत अच्छा होना चाहिए, ग्राहक को अट्रैक्टिव लगना चाहिए। थैंक यू, एंड नेक्स्ट क्लास में हम पार्लर की हाइजीन के बारे में आपको बताते हैं। बाय।